अपने ही एक साथी जो बड़े मायूस से बड़े सीधे साधे और उनकी मुस्कुराहट जो हर हमारे पूरे इस्लाम में मशहूर है, तो मैं उन्हें आप ही गैस कर लो, आपके भी बहुत प्यारे टीचर हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ। मिस्टर हरकेश जी, हम और हरकेश सरस्वती समीप में विराजमान विघ्न विनाशक भगवान विनायक, जबकि बीबी भी समझदार हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, फिर चाहे धन को एक बार को या ना हो, उस जीवन को हम खुशहाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री है बहुत हठी स्त्री है, कहती है स्त्री को लटकन की, लटकन शायद नथ जिसे हम बोलते हैं, नथ नाक में पहनने वाली, नथ कान में, मेला अवतार में जैसे जो आसपास की उसके फ्रेंड हैं वो सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि देख मैं तो ये लेकर आई हूँ, मैं तो ये लेकर आई हूँ, मैं ये लेकर आई हूँ, तुम क्या लाई। उसके पास लाने के लिए पैसे ही नहीं थे, वो क्या लाती। अब उसने अपने पति से कहा कि मुझे भी कुछ लाइए भाई, क्या चाहिए, है तो कुछ नहीं जेब में, खेत में खराब है, बस वो भी बैलों के लिए है। उसने कहा ठीक है। गाने के माध्यम से कहती है मोहे लाए दो, मोहे लाए दो, मोहे लाए दो, लटकन कर बीबी का, मोहे लाए दो, मोहे लाए दो, मोहे लाए दो, लटकन कर बीबी का। अपनी को जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, वैसे भी जानते हैं कि कर्वी मवेशियों का चारा है, कर्वी यदि बिक जाएगी तो मवेशी क्या खाएंगे। लाचारी थी, बोला जब कर्वी बिक जाए तो, जब कर्वी बिक जाए तो बैल का नहीं मैं, बैल का नहीं मैं, अरे बैलों में काम, अरे बैलों में काम, पर लाए दो, पर लाए दो, पर लाए दो, लटकन कर बीबी का, पर लाए दो, लटकन कर बीबी का। पहले जो काम करते हैं खेत में जुताई का, जब तक जुताई ना हो तब तक कोई बुवाई नहीं होगी। वो कहता है जब बैल बिक जाए तो, जब बैल बिक जाए तो खेत कैसे जुती है, खेत कैसे जुती है, अरे खेतों भी कहो, खेतों भी कहो, पर लाए दो, पर लाए दो, पर लाए दो, लटकन कर भी बेकार, पर लाए दो, लटकन कर भी बेकार। कर भी बिकवा ले रही है, बैलों को बिकवा ले रही है, खेत को भी बिकवा ले रही है, और जो खेत नहीं तो खाएंगे क्या, कहां से आना आएगा। जब खेत बिक जाए तो, जब खेत बिक जाए तो हम का खाएंगे, तुम का खाएंगे, बच्चे का खाएंगे, अरे बच्चे भी खाओ, अरे बच्चे भी खाओ, और तुम भी खाओ, और हम भी खाओ, पर